मेरे जन्म के साथ साथ आज तुम्हारा मर्ण भी नियत है मरकट। मैं अपने इन बलशाली पुजाओं से तुम्हें मसल कर रख दूंगा मरकट। मूर्खता मत करो, तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी मां के प्रतिशोध ने उन्हीं का भक्षण कर दिया है, फिर भी तुम उसी की प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म होना चाहते हो। जो उन्हें समझाया था वही तुम्हें भी समझा रहा हूं। तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इस शत्रुता के भाव को त्याग कर अभी प्रारंभ होने वाले अपने इस जीवन को तुम सुखमय बनाओ। मूर्खवानर, प्रतिशोध ही अब मेरे जीवन का ध्येय है। उसी से सुख मिलेगा मुझे, इसीलिए मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर, क्योंकि अब मेरे रूप में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आ चुकी है। कुछ नहीं हुआ इस मरकट को, परंतु अधिक देर तक मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकेगा ये। तुमने तो अपनी शक्तियों से मेरा सामना तो कर लिया मरकट, परंतु जो शक्तियां मुझे विरासत में अपने पिता महिरावण से मिली है, उन शक्तियों का सामना तुम नहीं कर पाओगे। वहां अयोध्या में सभी अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मुझे शीघ्र इसका अंत करना ही होगा। भैया, ब्रह्म मुहूर्त में मात्र भी एक प्रहर ही शेष है और अभी तक हनुमान जी लौटे भी नहीं हैं। मेरे विचार से हम सभी को स्वयं ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मुझे हनुमान की प्रतीक्षा करनी ही होगी। किंतु पुत्र, यदि ब्रह्म मुहूर्त बीत गया तो 14 वर्ष पूर्व ऐसा ही नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये शुभ कार्य नहीं रुकना चाहिए। चिंता मत करिए माता, अब कुछ अशुभ नहीं होगा। हनुमान शीघ्र ही लौटेंगे और कार्य को कुशलता से संपन्न अवश्य करेंगे।
बस वही रावण, अब तुम्हें रोकना ही होगा। इसके शरीर पर यह द्रव्य उसे चिकना बना रहा है, जिसके कारण इसको पकड़ पाना कठिन हो रहा है। पुनः प्रयास करता हूं। ना मुझे पकड़ सकोगे, ना ही मेरी कोई हानि कर सकोगे। माला साता अर्थात मल्ल युद्ध में पारंगत प्रतिद्वंदी जिस प्रकार एक दूसरे को चुनौती देते हैं, उसका ज्ञान है इसे। इसकी देह चिकनी है, इसे पकड़ना कठिन है, परंतु मैं इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम्हें क्या होगा मरकट, माता के गर्भ से ही कितनी भीषण युद्ध कला सीख कर आया हूं। अरे पिता के हत्यारे मरकट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, वध कर दूंगा तुम्हारे मैं। इसे परास्त करने के लिए मुझे शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग करना होगा। बात हो गई कीड़ा मरकट, अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। शीघ्र इसका अंत करने के लिए मुझे इसकी चिकनाहट को दूर करने का कोई उपाय करना होगा। हो गया क्या है वानर, यहां से वहां कूद क्यों रहा है? कितना भी कूद लो मरकट, परंतु मुझसे बच नहीं सकोगे तुम। आ, 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 आ,
शीघ्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसका अंत करता है। रावण, अपने मल्ल युद्ध के दाव दिखाओ मुझे। तुम कुछ भी कर लो मरकट, परंतु आज तुम्हारी मृत्यु मेरे इस रावण के हाथों होकर रहेगी। जय धरती माता, जय श्री राम। Yeah.
अब चाहे कितना भी दाव लगा लो, मुझे परास्त नहीं कर सकते। साथ मल युद्ध का दंगल चाहते थे ना अहिरावण, अब होगा दंगल जिसमें तुम्हारा अंत होगा। अब मैं लौटने में और विलंब नहीं कर सकता। ना बच सकोगे मुझसे, ना मार सकोगे मुझे। अर्थात आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों है। जिसके बाद उस राम और लक्ष्मण का वध करके मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा। बकर उस राम और लक्ष्मण का वध करके
मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा। राधा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। कपि महारुद्र रूप जो धारी षठदंभी दुष्टा को पछारी पग षठ वक्ष धरी हनुमंता जाको भयो छन भरम अंता। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की कल्पना करने का तुमने दुस्साहस किया था। अब दिखाओ अपना साहस। तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठाओ, सामना करो मेरा। हनुमान जी समय पर नहीं लौटे तो इस बार उन्हें प्रभु श्री राम की उस सेवा से वंचित होना पड़ेगा जिसका उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है। प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही भस्म कर देती है, इसलिए व्यक्ति को प्रतिशोध की भावना से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए।